बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय शहर हारून किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। तो देखते हैं इसमें हमने क्या क्या सामान लिया है। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड के पीस लिए हैं, इसके मैंने किनारे निकाल दिए हैं, किनारों को निकाल दिया है और ये कुछ इस तरह से निकले हैं। वैसे तो ये वेस्ट है लेकिन हम इसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक ये मोटी वाली ब्रेड निकलती है, इसका भी ब्रेड रोल नहीं बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सुखाकर ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और जब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे तो आपको इसकी वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ मैंने ब्रेड के पीस अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू, इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ मैंने लिया है ये 1 कटा प्याज फाइन चॉप, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी शिमला मिर्च फाइन चॉप कटी हुई, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और स्लाइस थोड़ी सी, ये भुरता हम बघारने के लिए हमने स्लाइस कट करके रख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं, ये शिमला मिर्च, पुदीना, अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च। इन सबको मिलाकर हम अच्छी तरह इसको हाथ से ही मिलाएंगे, क्योंकि चम्मच से ही अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। यहाँ एक कढ़ाई में हमने तेल लिया है, तेल हमारा 2 ही चम्मच हमने तेल लिया है और इसमें हम डालते हैं प्याज। वैसे तो इस टाइम हमारा भुरता बिल्कुल रेडी है लेकिन हम टेस्ट बढ़ाने के लिए इसको बघार भी रहे हैं। तो प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इतना भुनने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं भुरता। और भुरते को अच्छी तरह से कम 5-6 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। भुरते को भुनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, ये हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको ब्रेड में भरेंगे, तब आपको दिखाएंगे। भुरते को भुनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, ये हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको ब्रेड में भरेंगे, तब आपको दिखाएंगे। फीलिंग हमारी ठंडी हो गई है, अब हम आपको दिखाते हैं कि ब्रेड में इसे हमें किस तरह से बनना है। यहाँ मैंने पीने वाला साफ पानी लिया है, इसको मैंने ब्रेड को पानी के अंदर डुबोया और पूरी तरह से निचोड़ लिया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा जो मैंने स्टफिंग ली है वो थोड़ी सी इसमें भरते हैं और हाथों को दबा दबा कर अच्छी तरह से जो भी आप शेप देना चाहें, चाहे इसे आप गोल शेप दे दिए, चाहे कबाब की तरह दे दिए, चाहे जैसा भी अंडाकार दे दिए, जैसा भी आप शेप देना चाहें वैसा शेप आप दे सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे बना करके पहले से तैयार कर लिए हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक बचा लिया था। ये इस तरह से हमारे सारे ब्रेड क्रम्स ब्रेड रोल तैयार है। तो चलिए इसे अब डीप फ्राई करते हैं। यहाँ हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसे तवे पर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे एक हमने पैन लिया है, पैन में हमारा थोड़ा सा तेल हमने डाला है, ये गर्म हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने कहा था हम इसे डीप फ्राई करेंगे लेकिन हमने एक उसमें डीप फ्राई करके देखा था, ब्रेड में बहुत ज़्यादा ही ऑयल भरा जा रहा है जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ में वैसे भी ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, और अगर आप लोगों की मर्ज़ी हो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से रख देंगे, गैस का फ्लेम इस टाइम मेरा स्लो है क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी से जल जाती है। एक
इसको हम पलट पलट कर चारों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन होने तक तलेंगे। इसे तलने में कम से कम 8 से 10 मिनट तक का टाइम लगेगा। तो दोस्तों तैयार है हमारे गर्मा गर्म ब्रेड रोल। इसे आप मीठी चटनी, खट्टी चटनी या पापड़ के साथ किसी के साथ भी इंजॉय करिए, मेरी तरह बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये रियल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाएंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे डिश को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये कैसे लगे हैं। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी ही नई रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।